हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज आपको बताने वाली हूँ आप नेचुरली होम में तरीके से अपने डार्क सर्कल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, डाउन साइड वन एंड अपर साइड वन। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हम ये होते क्यों। सबसे पहला, पानी की कमी होने के कारण, टीवी बहुत ज़्यादा देखने की वजह से, नींद पूरी न होने की वजह से। और अक्सर देखा जाता है जिन लोग स्पेक्टिकल्स यूज़ करते जो लोग स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं वो पूरा पूरा दिन लगा के रखते हैं, तो उनको देखा गया था पूरा ऊपर से नीचे तक डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो ये सब कारण डार्क सर्कल्स होने के। तो बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। मैंने अपनी रेमेडी के लिए एलोवेरा लीफ, पोटैटो एंड कुकुम्बर लिया है। पहले हम जान लेते हैं इनके गुणों के बारे में। एलोवेरा के अंदर एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल गुण के कारण ये हमारे हेल्प करता है अब हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करने में और हमारे डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में। पोटैटो के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी एंड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमें हेल्प करता है हमारे डार्क सर्कल्स को रिमूव वहाँ से, और जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब को रिमूव करने में खीरा हमारी हेल्प। फ्रेंड्स, ये एलोवेरा लीफ का मैंने ये क्रश करके जूस बना लिया, और उसके बाद ये पोटैटो एंड कुकुम्बर मैं इसको ग्रेट कर लिया। मैं इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेती हूँ और इसका जूस बना लेती हूँ और सबको मिक्स करके एक पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। मैं आपको इसका एप्लीकेशन मैं बता देती हूँ। आपको इसको इस तरह से, अब इसका स्टार्च नीचे बैठ गया, जो पोटैटो स्टार्च होता है वो नीचे बैठ गया है, इसमें इसको फिंगर से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं इसको फिंगर से मिक्स कर रही हूँ अभी, क्योंकि इसका स्टार्च, जो पोटैटो स्टार्च होता है वो नीचे बैठ गया है इसके अंदर। अगर हो सके तो आप जो पोटैटो का स्टार्च होता है सिर्फ आप उसको ले लें। ये देखिए, मैंने अपने हाथों में इसे रब कर लिया। हाथों लगाने से पहले अपने हाथों को वॉश कर लें इस तरह से, और अपर लैशेस के अपर साइड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, राउंड साइड में आप इसको यूज़ करें इस तरह से, और इसको 20 मिनट छोड़ दें। 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से ये धो लें इसको, फ्रिज का पानी यूज़ नहीं करना है, ठंडे पानी से धो लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।